दोस्तों, अगर आपका शरीर पतला दुबला है, आप जो भी चीजें खाते हो वो सही से आपके शरीर में नहीं लगती है, गाल आपके पिचके हुए हैं, शरीर आपका कमजोर है, आपको बहुत ज्यादा थकान लगती है, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो चीजें मैं बताऊंगा उन चीजों को करके ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी और आपका शरीर, जो आपके शरीर में कमजोरी है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपका शरीर बनने लगेगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि वीडियो के अंत में मैं जो एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा उनको आपको जरूर से देखना है और जरूर से करना है। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया, अगर आपका शरीर कमजोर है, आप पतले दुबले हो, थकान ज्यादा लगती है, तो इसका सीधा सा एक रीजन है कि आपके शरीर में विटामिन की कमी है, आपके शरीर में आयरन की कमी है। देखिए, जब हमारे ब्लड में, हमारे खून में आयरन की कमी होती है, बॉडी में आयरन की कमी होती है, तो हमें थकान बहुत ज्यादा लगती है, हम जो भी चीजें खाते हैं वो सही से हमारे शरीर में जाती नहीं, हमारे शरीर में लगती नहीं है, तो हमारा शरीर कहां से बनेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ानी है। अब देखो, कौन कौन सी चीजें खा के आयरन बढ़ा सकते हो। सबसे अच्छी जो चीज होती है वो होती है पालक। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि पालक में आपको लगभग सारे विटामिन्स मिल जाते हैं, उसके साथ में आपको आयरन मिल जाता है, उसके साथ में आप लोग अंडे खाते हो या जिसे हम चिक पीस बोलते हैं, चिक पीस का मतलब होता है वो काबुली चना जो होता है, कहीं कहीं उसे सफेद चना भी बोलते हैं, उसको अगर आप लोग भिगो के खाते हो तो आप लोगों के शरीर में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी, और आयरन की कमी नहीं होगी तो आपका शरीर कभी भी पतला दुबला नहीं होगा, आपको थकान और कमजोरी नहीं लगेगी। तो ये चीजें आप लोग जरूर खाइएगा। उसके साथ में जो सबसे जरूरी विटामिन होता है उसे बोलते हैं विटामिन सी। अब देखो, विटामिन सी क्यों जरूरी है? विटामिन सी हमारे आयरन, जो हम आयरन खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी हमें मिलेगा टमाटर में, उसके साथ में पालक में। मैंने पहले ही बताया है कि पालक और टमाटर का सलाद अगर आप लोग रोज बना के खाते हो तो आपके शरीर को मजबूत होने से, आपके शरीर को ताकतवर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपनी अगली टिप की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोग एक्सरसाइज शाम को किया करो। शाम को एक्सरसाइज करने से होता क्या है कि हमारी बॉडी बूस्ट पे होती है, हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट पे होता है, तो हम एक्सरसाइज ज्यादा कर पाते हैं और हमारी बॉडी भी जल्दी बनती है। लेकिन उसी में एक चीज आप लोग को और जोड़नी है कि आप लोग डेली सुबह उठने के बाद में कम से कम 30 मिनट हल्की सी रनिंग या हल्की सी जॉगिंग जरूर किया करो। और अगर आप लोग ये धूप में यानी सूरज की रोशनी में करते हो तो और अच्छी बात है, साथ में आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी टिप है, सुबह आप लोग को जॉगिंग करनी है कम से कम 30 मिनट रोज। उसके बाद सबसे जरूरी टिप की बात करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी होती है? हमें कोशिश ये करनी होती है कि हमें कंपाउंड मूवमेंट करने चाहिए। कंपाउंड मूवमेंट का मतलब होता है कि हम ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें हम एक साथ एक से ज्यादा मसल्स को ट्रेन कर सकें। तो घर पे अगर आप लोग एक्सरसाइज करना चाहते हो तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूं उसे बोलते हैं रोप एक्सरसाइज, यानी रस्सी वाली एक्सरसाइज। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। देखो, रोप एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके कंधों को, आपके चेस्ट को, आपकी भुजाओं, आपके हाथों को, बाइसेप को, ट्राइसेप को, आपकी बैक मसल्स को, इन सभी को ट्रेन करते हैं। तो देखो, अगर आप लोग रोप एक्सरसाइज घर में करना चाहते हो, आपके पास रस्सी नहीं है, तो किसी भी कपड़े को बांध सकते हो, किसी तौलिए को बांध सकते हो और इस तरीके से एक्सरसाइज आपको करनी है। ये शुरुआत उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने कभी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं किया है। इस तरीके से आपको नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर अपनी बॉडी को नीचे करना है, फिर हल्का सा खींच के ऊपर ले जाना है, फिर नीचे करना है, पैर आपका जमीन पे ही रहेगा। तो इससे आपकी ओवरऑल जो अपर मसल्स है वो काफी तेजी से ट्रेन होती है। उसके बाद में इसी में जो दूसरी एक्सरसाइज हमारी होगी उसमें हमें क्या करना होगा, किसी भी बोरी में, किसी भी बैग में आप लोग को बालू भर लेना है या कोई भी वजन भर लो। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से उठा के चलना है। आप लोग केवल चलोगे तो इससे आपके एब्स मसल्स, आपके लेग्स मसल्स, पैरों की मसल्स बहुत तेजी से मजबूत बनती है और आपके ओवरऑल शरीर को ताकत देती है। उसके बाद जब आप लोग ये 2-3 मिनट एक्सरसाइज कर लो, फिर आपको क्या करना है, आपको जो बैग है जो आपने लिया हुआ उसी को लेके उठक बैठक करनी है और आपको मिनिमम 15 बार उठना बैठना है। आप लोग अपने हिसाब से जो वजन है वो देख लेना, जितना आपके लिए बहुत ज्यादा भारी ना हो और बहुत ज्यादा हल्का भी ना हो। इस एक्सरसाइज को, इन दोनों एक्सरसाइज को, रोप वाली और ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो आप लोग। कंपाउंड मूवमेंट है, आपके पूरे शरीर को ताकत देगी, कभी भी थकान नहीं लगेगी। आप धीरे धीरे इन एक्सरसाइज को करोगे तो आपके शरीर में जो कमजोरी है वो बिल्कुल हट जाएगी और जो डाइट मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको बताया कि आयरन की कमी पूरी करनी है, उसको आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।